चलो ट्रांजिएंट करंट्स, ट्रांजिएंट करंट वो करंट है जो टाइम के साथ इंक्रीज होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है। टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होता है, जैसे इंडक्टर में अगर आप करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करो तो इंडक्टर अपने अंदर करंट एकदम इंक्रीज नहीं करवाएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट करेगा, जिससे कि धीरे 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 करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। इट मीन्स अगर आप कॉन्टिन्यूसली करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका करंट कभी भी पीक वैल्यू पर पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा पीक वैल्यू पर, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की वजह से उसको हमेशा ऑपोजिशन मिलेगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कैपेसिटर को जब भी चार्ज करोगे, कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर टाइम के साथ धीरे धीरे चार्ज होगा। और अगर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर होगा, डिस्चार्ज का मतलब है अपने अंदर से चार्ज को धीरे धीरे रिलीज करेगा, तो कैपेसिटर एकदम चार्ज को रिलीज नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा चार्ज को रिलीज करेगा, और कैपेसिटर की चार्जिंग भी टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। इस चीज का मैथमेटिकल प्रूफ हमने आज करना है। इसके अंदर सच इलेक्ट्रिक करंट विच वेरी फ्रॉम स्मॉल फाइनाइट टाइम वाइल गोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और वाइल डिकेइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। पॉइंट नंबर वन, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल लिया गया है एक इंडक्टर का। सपोज एक इंडक्टर है, इंडक्टर कोई ऐसा इंडक्टर नहीं है जिसकी सिर्फ इंडक्टेंस हो, इंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस 101% होगी ही होगी। तो इस इंडक्टर का कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर है। मैं इसको सोर्स ऑफ कोई ईएमएफ देता हूं, बैटरी लगा के या जैसे भी ई, और ई मैं क्या कर रहा हूं, ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, ई की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टेंट ई रखूंगा कॉन्स्टेंट करंट जाएगा इंडक्टर में, और अगर इंडक्टर में करंट कॉन्स्टेंट है तो इंड्यूस करंट कहां से आएगा, और अगर इंड्यूस करंट नहीं आएगा तो फिर मैं चैप्टर की स्टडी कर रहा हूं, फिर तो क्लियर है, फिर तो मेरे को मालूम ही है इंडक्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ किसका रोल है रेजिस्टेंस का। तो मैं एक काम करता हूं, बैटरी से करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूं, और क्या मैं एसी इंक्रीज कर रहा हूं, नहीं, मैं एक आम करंट को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकता हूं, एक 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। मैं एसी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एसी की वैल्यू तो क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी फिर एकदम डिक्रीज होगी फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। मैं एसी नहीं पास करना चाहता, मैं सिंपली डीसी ही पास करना चाहता हूं, लेकिन डीसी का करंट भी टाइम के साथ मैं क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक फर्क है। तो ऐसा करंट जो धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होगा वो ट्रांजिएंट करंट है। तो इसके अंदर किसी भी इंस्टेंट पर मैंने ई की वैल्यू कितनी अप्लाई की, ई, क्योंकि मैं ईएमएफ चेंज कर रहा हूं तभी मेरा करंट चेंज हो रहा है, तो मैं ई ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूं, और मेरी ईएमएफ दो फॉर्म में बाहर निकल के आ रही है, एक रेजिस्टर में आई इंटू आर और एक इंडक्टर में मैग्नीट्यूड कितना डेवलप हो जाएगा एल इंटू डी आई बाई डीटी। ठीक हो गया यहां तक। तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर, टोटल ई की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर आई इंटू आर प्लस क्या हो जाएगी एल इंटू डी आई बाई डीटी। एनी डाउट? दूसरी चीज, अब इसमें सोचो करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड लेट से करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है मैक्सिमम। लेट से जितना करंट आपने मैक्सिमम देना है वो मैक्सिमम हो गया। क्लियर यहां तक? तो अगर वो करंट मैक्सिमम हो गया, इट मीन्स डी आई बाई डी टी समझो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि करंट अगर कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज जीरो। ठीक, समझ आ रहा है ना? अगर आई कॉन्स्टेंट हो गया तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। एनी डाउट? तो उस केस में अगर मैं ये बोलता हूं कि आई कॉन्स्टेंट हो गया इक्वल टू आई नॉट हो गया, तो इट मीन्स यहां पर आई थोड़ा पुट करूंगा, फिर मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, आई नॉट पुट करूंगा। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा आई नॉट टाइम्स आर। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है? तो मैं इसमें क्या करूंगा कि ई की जगह पुट कर दूंगा आई नॉट आर, और R के अंदर IR LDI by DT, एंड फाइनली ये सब क्लियर है। मैंने मैक्सिमम EMF की वैल्यू I नॉट R पुट कर दी जो इंडक्टर और रेजिस्टर में डिवाइड हो गई, एंड फाइनली मैं एक काम करता हूं कि इसमें जो I वाली टर्म्स है वो एक तरफ और बाकी टाइम वाली टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। स्टेप्स आपको कोई याद नहीं करने, बोर्ड के अंदर डेरिवेशन आती नहीं है,
क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है ना ट्रांजिएंट करंट की, आप वो असाइनमेंट देख लो, उसके बाहर कोई क्वेश्चन मेरे को तो नहीं मिला, एटलीस्ट आपको मिल जाए मुझे पता नहीं, पर मैंने सारी एचसी वर्मा इसमें डाल दी, मैंने जितने आईआईटी का जीसी अग्रवाल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल दिए, एआई ट्रिपली के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल दिए, इसके बाहर क्वेश्चन मेरे को मुश्किल लगता है बनना जो आज हम असाइनमेंट करेंगे। मतलब अगर आपकी असाइनमेंट हो जाती है और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसजेंडर करंट का, तो आप सच में बहुत लकी होंगे आज के लेक्चर के बाद, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे बच के जाएगा नहीं, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जस्ट स्टेप्स एक बार देखते जाओ, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन मैथ्स वाले ज्यादा समझते हैं थोड़ा सा, लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई और डिवाइडेड बाई डी बाई डी डी ऑफ आई ऑफ आई नॉट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी, और राइट साइड की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर 1 dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट k आता है। क्लियर है यहां तक? तो k कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी कैसे? k कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का तरीका है कि जब मेरा करंट, ऐसे करना पड़ेगा हमें, ये गलत असाइनमेंट में लिखा हुआ है, तो जब i की वैल्यू कितनी होगी, i नॉट, i की वैल्यू एक सेकंड, और नहीं ठीक लिखा हुआ है, सॉरी, ये ग्रोथ ऑफ करंट है। मैं इसमें दो टॉपिक्स करवाने वाला हूं, मेरे को क्लियर करना चाहिए था आपको, मैं दो टॉपिक्स करवाऊंगा। पहला टॉपिक है इंडक्टर में करंट का इंक्रीज होना, ग्रोथ ऑफ करंट। दूसरा टॉपिक है इंडक्टर में करंट का डिक्रीज होना, जिसको क्या बोलते हैं, डीके ऑफ करंट। तीसरा टॉपिक हम करेंगे कैपेसिटर का चार्ज होना, और चौथा टॉपिक करेंगे कैपेसिटर का डिसचार्ज होना। अब मैं ये टॉपिक कौन सा कर रहा हूं, मैं टॉपिक कर रहा हूं ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर जो आपका करंट है वो कैसे ग्रो करता है। तो ग्रो करने का मतलब क्या हुआ कि पहले करंट की टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो मैंने i को यहां जीरो पुट किया और टाइम को यहां पर जीरो पुट किया, तो मेरे पास k की ये वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को उठा के नीचे से मैंने ऊपर पुट कर दिया, यहां पर पुट कर दिया, और जब मैंने यहां पुट किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। लॉग वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स एक तरफ रखा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये वैल्यू आ गई। फिर से मैथ्स वाला ज्यादा समझते हैं, लॉग की टर्म जब राइट पे जाएगी तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल बन जाएगी, e रेस टू पावर माइनस आर बाय एल इन टू टी। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करो, आई नॉट बाय आई नॉट वन है, आई बाय आई नॉट, तो यहां से क्या है कि वैल्यू आ जाएगी i की i नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस r बाय l इंटू टी। एनी डाउट? इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आएगा, मेरे ख्याल से कैलकुलस स्टार्ट हो गया होगा मैथ्स वालों का, कितने लोगों का नहीं हुआ अभी कैलकुलस स्टार्ट, सभी का हो चुका है। ठीक, इंटीग्रेशन बताने की मेरे को जरूरत नहीं ना, ठीक है, वैसे भी जरूरत नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चन इसके फॉर्मुलाज के ऊपर आते हैं, बट इन एनी केस लेट से आंसर आ गया। आप इस प्लीज फॉर्मूले को याद कर लें, आपको इंटीग्रेशन के स्टेप समझ आए या नहीं आए मेरे को नहीं चाहिए, यह फॉर्मूला नोट कर लो कि जब इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा तो आई करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, करंट की वैल्यू आती जाएगी, मतलब मैंने वेरिएशन निकाल दिया करंट का एट टाइम स्मॉल टी। एनी डाउट? तो स्मॉल टी टाइम पर करंट की क्या वेरिएशन है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक, तो किसी भी इंस्टेंट पर करंट कितना होगा ये इक्वेशन आपको बताएगी। दूसरी चीज, इसमें आर बाय एल, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी, e रेज टू पावर माइनस टी, और एक काम करो r बाय एल है ना, r को नीचे ले आओ, क्या बन गया l बाय आर, और l बाय आर की जगह मैंने कॉन्स्टेंट पुट कर दिया टाउ, जिसको बोलते हैं l बाय आर। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, मेरी ये फाइनल इक्वेशन बन गई, i इज i नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ या टाइम इज नोन एज टाइम कॉन्स्टेंट। इसको टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप नेक्स्ट पेज पे आप एल के और आर के यूनिट्स पुट करेंगे तो आपके यूनिट्स ऑटोमेटिकली किसमें आएंगे,
सेकेंड्स में, तो इसलिए इसका नाम है टाइम कॉन्स्टेंट। एनी डाउट? तो ये टाइम कॉन्स्टेंट है, ये क्या बताता है अभी बताऊंगा मैं, इसका मतलब क्या है। बट इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन क्लियर है, अभी आप आराम से देखते जाओ, एकदम जब चैप्टर जब आपका ये न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इसमें इस चीज को अप्लाई कैसे करना है। ठीक, शुरू में आपको ये अजीब सा लगेगा, यार पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, चार हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन निकलेंगे इसमें, पहले आई की इंक्रीज होने की, फिर डिक्रीज होने की, और फिर चार्जेस की निकलेंगी, बट इन दी एंड आपको समझ आएगा। तो अगर रिजल्ट फाइनली ये आया, अगर मैं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टाइम का और करंट का ग्राफ प्लॉट करूं, तो एक्सपोनेंशियल, मैथ्स वाले लोग फिर देखो जरा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे जा रहा है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आई नॉट को टच नहीं करेगा। कहने का मतलब मेरी इक्वेशन थी आई इज आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये वैल्यू है। आप एक काम करो, आप आई को मैक्सिमम करना चाहते हो तो आप आई की जगह पुट कर लो आई नॉट, और मुझे स्मॉल टी निकाल के दिखाओ। जब आप आई की जगह आई नॉट पुट करते हो एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द टाइम 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 एट विच आई बिकम इक्वल टू आई नॉट, तो आपका टाइम पता है क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे मैथ से इसमें स्मॉल आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई नॉट आई नॉट आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, इन दी एंड आपके पास आंसर इनफाइनाइट आएगा। और यही तो मैथ्स है, मैथ्स आपको क्या सिखाता है नॉन मेडिकल में, कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक बार पहले ऊपर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और वो आई नॉट को कभी टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल जाना शुरू कर देगा। इट मींस कि करंट की वैल्यू कभी भी मैक्सिमम नहीं हो पाएगी इंडक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें क्या रहेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। मैथमेटिकली प्रूव हो गया, पहला स्टेप क्लियर, ठीक है। यहां तक वेरिएशन देख ली, करंट की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इसमें मैं अब यह देखना चाहता हूं कि ये आपका टाइम कांस्टेंट होता क्या है। अब कोई भी अगर आप सर्किट लेंगे उसमें एल और आर तो लेंगे, एल की कोई वैल्यू होगी आर की कोई वैल्यू होगी, दोनों कांस्टेंट्स होंगे, उन कांस्टेंट्स को डिवाइड कर लें तो टाउ की वैल्यू आ गई, टाइम कांस्टेंट जो भी आएगी। आप एक काम करो, आई की वैल्यू अभी आपने निकाली थी आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या था, टाउ। टाउ का मतलब आप यहां पुट कर सकते हो, ये टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, एल बाय आर, ठीक है ना। यहां तक आप एक काम करो, आप मुझे करंट की वैल्यू निकाल के दिखाओ। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आई कब, जब टाइम की वैल्यू हो जाए इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। मैं चेक करना चाहता हूं कि टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब एल बाय आर, एल बाय आर वैल्यू पर, इस टाइम की टाउ वैल्यू पर टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे, एल बाय आर। तो एल बाय आर से एल बाय आर क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.718 होती है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आई का 63.2% ऑफ आई नॉट। तो मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं टाइम कांस्टेंट की, कि इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर जब करंट इंक्रीज होता है, जब करंट इंक्रीज होता है टाइम के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज होता है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम की वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम की वैल्यू है जब इस सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा होगा, और इंक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट आए नॉट। डेफिनेशन है, कोई भी सर्किट ले लो जिसमें टाइम कांस्टेंट एल बाय आर है, उसमें करंट इंक्रीज करना शुरू करो, आप ये रिजल्ट कभी वायलेट नहीं होगा कि जब आप टाइम कांस्टेंट जितना टाइम पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई निकालेंगे, तो वो जो करंट होगा वो 63.2% ऑफ मैक्सिमम आई होगा। ये इसके डेफिनेशन है, क्लियर है। तो टाइम कांस्टेंट पे करंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होते 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 कितनी हो जाएगी, 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक। मैथमेटिकली प्रूव हुआ। नेक्स्ट है इसी में डिके ऑफ करंट, बस ये रिजल्ट आ गया, बस खत्म हो गया। जो क्वेश्चन आने हैं उस इक्वेशन के ऊपर ही आने हैं, ठीक। कैसे आने हैं मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट में वही ईएमएफ की इक्वेशन आपके सामने वही लिखी,
डीके ऑफ करंट में सोर्स ऑफ ईएमएफ को आपने क्या पुट कर दिया, जीरो। डीके का मतलब आपने बैटरी ऑफ कर दी, और अगर आपने बैटरी ऑफ कर दी ई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्लियर है नदीप, समझ आ रहा है? ठीक, बोर्ड पे भी देख लो यार, उस पर ज्यादा समझ आएगा वैसे। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू, वैसे भी पढ़ना किसने, उसे डेरिवेशन तो याद नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूं, तो बुक्स देख के कोई फायदा नहीं होगा, यहीं देखते जाओ, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ध्यान से देखना है और कुछ नहीं है। ई की वैल्यू जीरो, रीअरेंज किया, रीअरेंज करके ये ई की वैल्यू जीरो पुट किया, आई आर राइट साइड पे आ गया, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, यहां पर आई वाली टर्म एक तरफ, डी टी वाली टर्म्स एक तरफ, ये स्मॉल चेंज इन करंट है, रादर स्मॉल डिक्रीज इन करंट है, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, वन बाय आई डी आई की इंटीग्रेशन, माइनस माइनस, हाँ माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन, यहां आ जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस लॉग आई, और ये टर्म की इंटीग्रेशन क्या आ गई, आर बाय एल इंटू वन डी टी की इंटीग्रेशन टी, और साथ में क्या आ गया, कॉन्स्टेंट के। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब टाइम जीरो था, अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को डीके, डीके का मतलब अब करंट की वैल्यू आई नॉट से क्या पुट करने वाले हैं, जीरो। तो जब टाइम जीरो है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट, तो आप यहां टाइम को जीरो पुट करें, आई की जगह क्या पुट करें, आई नॉट पुट करें, के की वैल्यू आ गई, इस के की वैल्यू को उठाएं यहां पुट कर दें। ठीक, यहां तक के की वैल्यू को ऊपर पुट कर दें, जब आप के की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे ये वैल्यू आ गई, लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठा करें, बाकी टर्म्स इकट्ठा करें, लॉग राइट साइड पे जाएगा, एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी, आर बाय एल को एक बार फिर से नीचे ले आए, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर बाय एल, आर बाय एल को क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, यानी कि एक बार फिर से टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिर से क्या आ गई, एल अपॉन आर। कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया? लेकिन इस बार जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इक्वेशन बन गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। ये कब होगी इक्वेशन, जब करंट डिक्रीज होगा, जब करंट इंक्रीज होता है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये याद रहेगा, बाकी सब छोड़ो, बस ये दो इक्वेशन याद कर लो, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा तो नीचे वाली इक्वेशन, जब डिक्रीज होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ग्लेश? ठीक, मैथ्स वालों को तो मजा आ रहा होगा, नहीं आ रहा किसी को? मजा नहीं आता फिजिक्स में? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होने वाला है, आई नॉट से, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन टाइम के एक्सेस को टच नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल का डिक्रीजिंग ग्राफ है, टाइम के साथ पैरेलल जाएगा। टाइम के साथ पैरेलल कैसे जाएगा, मुझे मालूम है कि आई की वैल्यू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ है। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने टाइम की वैल्यू पर करंट आई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में आई की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो टाइम की वैल्यू क्या आई सॉल्व करने पे, इनफाइनाइट। वो तो मुझे वैसे ही पता था एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से कि मेरा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डिक्रीजिंग है, वो टाइम के एक्सेस को कभी टच नहीं करेगा, और कभी टच ना करने का मतलब कहां पर टच करेगा, एट इन्फिनिटी। प्रूव भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब आप एक काम करें, मेरे पास जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एल बाई आर। आप एक काम करें, आप चेक करें कि टाइम एल अपॉन आर की वैल्यू पे, टाइम एल बाई आर की वैल्यू पर, यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू पर कितना करंट प्रोड्यूस होता है या कितना करंट डिक्रीज हो जाता है। तो आप स्मॉल टी की जगह एल बाय आर पुट करेंगे, ये रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। इक्वेशन क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा। इसका मतलब जब करंट डिक्रीज होता है
तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब करंट सर्किट में डिक्रीज होगा एंड एट टाइम कांस्टेंट एल बाय आर द करंट की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 36.8% ऑफ आई नॉट. याद करो जब करंट इंक्रीज होता था, जब करंट इंक्रीज होता है तो टाइम कांस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है 63.8% ऑफ आई नॉट है, और जब करंट डिक्रीज होता है तो यही करंट की वैल्यू डिक्रीज होते हुए 63.2 था, क्या कितना था 63.2 और यहां पर 36.8% ऑफ आई नॉट एग्जैक्टली सेम. ऐड करोगे तो 100 आएगा, ठीक है ना. ये ठीक वैसे ही है जैसे टाइम कांस्टेंट तो वही का वही है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम है. जैसे अगर दो स्टेशंस हैं ए एंड बी, एक थर्ड स्टेशन है सी, ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस है लेट्स से 300 किलोमीटर, लेट्स से टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. ए से सी जाते हैं तो ये डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और अगर बी से सी आते हैं तो ये डिस्टेंस है, लेकिन वो पॉइंट तो एग्जैक्टली क्या रहेगा दोनों केस में सेम. तो वैसे ही अगर आप सर्किट में करंट इंक्रीज करते हो तो आंसर 63.2% ऑफ आई नॉट आता है, डिक्रीज करते हो तो 36.8% ऑफ आई नॉट आता है, यानी कि वो वैल्यू विल रिमेन सेम ओनली. पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन हो गई, जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा. क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो. नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर. देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक कैपेसिटर को चार्ज करने वाला हूं. जब मैं कैपेसिटर को चार्ज करूंगा तो मैं बैटरी से चार्ज करूंगा, बैटरी की ईएमएफ ई है, कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया क्यू बाई सी, और रेजिस्टर में कितना हो गया आई टाइम्स आर. ठीक, वायर्स की रेजिस्टेंस होगी, अकेला कैपेसिटर, कोई ऐसी वायर नहीं जिसकी रेजिस्टेंस ना हो. तो कैपेसिटर के साथ जो वायर कनेक्टेड होगी उसकी रेजिस्टेंस हमेशा होगी, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं इसमें. तो इसमें मैंने क्या किया कि ई की वैल्यू मैंने बताया कि क्यू डिवाइडेड बाय सी प्लस क्या हो जाएगी आई टाइम्स आर. अब एक चीज सोचो, अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया तो क्यू की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी क्यू नॉट, और अगर क्यू क्यू नॉट के इक्वल हो गया कॉन्स्टेंट हो गया तो करंट क्या होता है डी क्यू बाय डी टी, और डी क्यू बाय डी टी क्या हो जाएगा जीरो. भाई अगर वो चार्ज चेंज ही ना हुआ तो वो तो कंप्लीटली डीसी हो गया ना, कॉन्स्टेंट हो गया, और एक बार कॉन्स्टेंट हो गया तो कैपेसिटर कॉन्स्टेंट करंट को अपने अंदर से कभी पास होने नहीं देगा, वो तो हमने स्टार्ट किया हुआ है. तो उसी टाइम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें जीरो. क्लियर? तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं इसमें कि सपोज अगर क्यू क्यू नॉट के इक्वल है तो आई की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ई की वैल्यू, ई का जो फॉर्मूला था अभी लिखा था क्यू बाय सी प्लस आई इंटू आर, अगर क्यू की जगह मैं क्यू नॉट लिख दूं तो आई को मेरे को जीरो लेना पड़ेगा. तो यहां से मैंने ई की वैल्यू निकाल दी, मैक्सिमम कितनी होगी क्यू नॉट बाय सी, तो क्यू नॉट बाय सी इज क्यू बाय सी प्लस आई आर. अब एक काम करो, क्यू वाली टर्म्स आई को रादर पहले पुट कर लो डी क्यू बाई डी टी इस इक्वेशन में, और क्यू वाली टर्म्स को एक तरफ और डी टी वाली और आर और सी वाली टर्म को एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया, ये आंसर आ गया. ठीक हो गया यहां तक? तो ये मेरे पास डी क्यू आ गया. डी क्यू का मतलब कि स्मॉल इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन चार्ज इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी. तो मैं इसमें इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आफ्टर इंटीग्रेशन ये आंसर आ जाएगा माइनस लॉग, माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है 1 बाय आरसी कॉन्स्टेंट है, 1 डीटी की इंटीग्रेशन टी और कॉन्स्टेंट क्या आ गया के. ये भी चीज क्लियर है? अब फाइनली चार्जिंग कर रहे हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या रही होगी जीरो. एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, तो यहां से के का आंसर ये आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया.
ठीक है ना, यहां तक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इस कांस्टेंट की वैल्यू को ये देखो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को के की जगह पुट कर दो, लॉग वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, लॉग राइट साइड पे जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन गया, क्यू को सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ गया। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पर चार्जिंग के टाइम पे क्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर यहां तक? ठीक है यहां तक? तो क्यू की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर आ जाएगी, सेम ही तो है, आई की जगह आई नॉट, क्यू की जगह आई, आई इज आई नॉट ई वन माई। हाँ, इसमें एक डिफरेंस जरूर है, इसमें एल बाय आर नहीं है, इसमें टर्म क्या आ रही है, आर सी। तो एक काम करो, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ। इस केस में जो टाउ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर इंटू सी। तो याद रखना, इंडक्टर के केस में टाइम कॉन्स्टेंट एल बाय आर होता है और कैपेसिटर के केस में टाइम कॉन्स्टेंट आर इंटू सी होता है। ठीक है, याद रहेगा, कई बार टाइम कॉन्स्टेंट पे क्वेश्चन आ जाता होता है, अब चेक करना पुराने पेपर्स में आया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। तो आगे, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई चार्ज की, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। अगर आप इस वैल्यू को, इसके यूनिट्स को सॉल्व करें तो इसके यूनिट्स फिर से क्या आ जाएंगे, सेकेंड्स ही आएंगे, इसलिए इसको टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अगर आप एक काम करें, क्यू की वैल्यू मुझे मालूम है, क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी इसके इक्वल है। आप चेक करके बताएं कि जब टाइम टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाता है, जब टाइम टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाता है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, वन हो जाएगा यहां पर, तो क्यू की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे फिर से वही आंसर आएगा कि चार्जिंग के टाइम पे जो जो टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर जो चार्ज है वो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा। याद करना आसान है क्योंकि इंडक्टर के अंदर भी सेम रिलेशन है और कैपेसिटर के अंदर भी सेम रिलेशन है। ठीक है यहां तक? तो टाइम कांस्टेंट पे चार्ज आ गया मेरे पास, समझ आ रहा है यहां तक? आइडिया पता लग रहा है इसमें क्या हो रहा है? और फाइनली जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम आएगा जो इंडक्टर के केस में आएगा। यानी कि अगर आप ये पुट करना चाहते हो इस इक्वेशन के अंदर कि चार्ज क्यू क्यू नॉट कब होगा, एक काम करो, क्यू की जगह क्यू नॉट पुट कर दो, इक्वेशन को सॉल्व करो, टी पता क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यानी कि कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज कभी भी नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इक्वेशन वही है ई की, डिस्चार्जिंग में बैटरी को उड़ा दो, जीरो पुट कर दो, इसको रीअरेंज कर लो, या ये आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू पुट कर लो डी क्यू बाय डी टी। जब आप dQ/dt पुट करेंगे, Q वाली टर्म्स एक तरफ, T वाली टर्म्स एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो log Q, यहां पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाय आर सी इंटू टी प्लस के कॉन्स्टेंट। यहां तक क्लियर है? और जब, क्योंकि ये केस किसका चल रहा है, डिसचार्जिंग का चल रहा है, डिसचार्जिंग के अंदर क्या होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज होगा। तो आप एक काम करें, यहां पर k की वैल्यू निकालें, पिछली इक्वेशन में पुट करें, लॉग वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, लॉग ऑफ a माइनस बी, सॉल्व करें, q का आंसर आ गया, rc को tau पुट कर दें, q इज इक्वल टू q नॉट e रेस टू पावर माइनस t डिवाइडेड बाय tau। वैसे आंसर है ना, सेम, वन नहीं है इसमें, सिंपल आंसर है, कुछ भी नहीं है, i और i नॉट की जगह q और q नॉट ही तो लगाया है। और टाइम कॉन्स्टेंट एक काम कर लें, जब स्मॉल टी की जगह टाइम कांस्टेंट पुट करेंगे, स्मॉल टी की जगह टाइम कांस्टेंट यहां पर माइनस वन हो जाएगा, तो वो सेम आंसर आएगा कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो चार्ज की वैल्यू कितनी बच जाती है, 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और अगर ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आ गया। तो ये आपका जो है इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। चार फॉर्मूलाज आपने देख लिए, करंट इंडक्टर में कैसे इंक्रीज होता है और कैपेसिटर के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज होती है चार्ज की और डिक्रीज होती है चार्ज की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा इसके न्यूमेरिकल करते हैं जो आने वाले हैं। ठीक, जो मैंने शीट दी थी वो एक बार देखें।
करें स्टार्ट. देखो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस गिवन इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन. सी गिवन है, आर गिवन है, ई गिवन है. ई कौन सा गिवन है, ये 12 क्या चीज गिवन है, ये मैक्सिमम ईएमएफ है. ऑब्वियसली बैटरी की मैक्सिमम ईएमएफ है ये ई नॉट. फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, ये तो हर कोई निकाल लेगा. कौन सा सर्किट है ये, आर सी सर्किट है. आर सी सर्किट में टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा आर इंटू सी. फाइंड टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर. इसका मतलब बात चार्जिंग की हो रही है, इसका मतलब बात चार्जिंग की हो रही है. और क्या करना है मुझे, स्मॉल टी निकालना है जब चार्ज कितना हो जाए 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाए. ये चीज क्लियर है, जब चार्ज 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाए. तो अब ऐसा करो क्वेश्चन, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी. क्यू को सीधा पुट कर दो, 99% ऑफ क्या करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, स्मॉल टी आपको निकालना है. क्वेश्चन में आपको आर गिवन है, क्वेश्चन में आपको सी गिवन है, स्मॉल टी आ जाएगा. ठीक है ना, कैसे आएगा वो मैथ्स वाले अपना देखें, एक्सपोनेंशियल है ना, लॉग लू लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, लॉग टेबल देखने पड़ेंगे इसमें. बट पेपर के अंदर आईआईटी में तो फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जो आपके ए ट्रिपल ईयर्स में वैल्यू ऐसी गिवन होगी कि जब लॉग लेंगे तो आपका आंसर वैसे सॉल्व हो जाएगा. मतलब वैल्यू ऐसी देंगे कि आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं. बट मेथड क्लियर है, मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसमें बैटरी की ईएमएफ का मुझे इतना रोल ही नहीं है, बैटरी की ईएमएफ का करूंगा क्या इसमें, वैसे ही आंसर आ गया. कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ आ रहा है. ओके और देखते हैं, एक चीज देख लो, कई बार ना मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा, आप उस टाइम देख लेना. Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ, ये तो मुझे पता है. मैं काम करता हूं दोनों साइड को C से डिवाइड कर देता हूं, तो पता है क्या आ जाएगा कि मेरा कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो रहा है. देखो V इज इक्वल टू ई एम एफ ई, ई नॉट रादर कर ले, या एक काम करते V नॉट ही कर लेते हैं, V नॉट सिंपल ही लगाना है, V नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ. देखो समझाया कैसे, मैंने बैटरी एक कैपेसिटर के साथ लगाई 12 वोल्ट की, उसकी मैक्सिमम ईएमएफ 12 वोल्ट है. कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है. जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट. तो किसी भी टाइम पे कितना वी डेवलप हुआ प्लेट्स के बीच में, कितना वी डेवलप हुआ, इतना मैक्सिमम कितना हो सकता था, इतना, ये फॉर्मूला यूज होगा. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूला भी मैं यूज कर सकता हूं. ठीक है, यहां तक क्लियर है, डाउट है कैसे, ये फॉर्मूला क्लियर है ऊपर वाला क्यू का. अगर मैं दोनों साइड को सी से डिवाइड कर दूं तो क्यू इज सी वी. यूज कैसे होगा अभी बताऊंगा. जैसे मान लो एक बैटरी है, बैटरी मान लो 12 वोल्ट की है, तो ये क्या गिवन है इसका 12 वोल्ट. क्वेश्चन है, आर भी दे दूंगा सी भी दे दूंगा, एक घंटे बाद बताओ कैपेसिटर की प्लेट में कितना वी डेवलप हुआ, तो वी निकाल देना, क्योंकि प्लेट्स में चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो वी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 12 वोल्ट थोड़ा हो जाएगा. हाँ मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी 12 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या होगी 12 वोल्ट, और वो कब आएगी जब टाइम की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट. जब चार्ज मैक्सिमम नहीं हो सकता तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मैक्सिमम हो सकता है. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट आपके हाथ में होगी, अब ट्राई करो एक बार पढ़ो क्वेश्चन. चलो सेकंड में मैं करता हूं, बाकी आप करना. अ प्लेट ऑफ 50 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर, क्या गिवन है सी, चार्ज टू 400 माइक्रो कूलम, मिली सेकेंड है ये,
आर चार्ज टू 400 माइक्रो कूलम, क्यू गिवन है, आर गिवन है, क्या निकालना है? रिमेनिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर 1 सेकेंड कनेक्शन इज मेड, यानी कि क्या करेंगे इसमें? अच्छा ये चार्ज हो चुका है, मैंने एक चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, मैंने एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस के साथ, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज है ना कैपेसिटर, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने बैटरी ऑन करके चार्ज किया, मैंने क्या किया एक चार्ज कैपेसिटर लिया उसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, तो उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? डिस्चार्जिंग। फाइंड चार्ज रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या है कि कैपेसिटर अपना चार्ज लूज करना शुरू कर देगा व्हेन अ कनेक्शन इज मेड। व्हेन अ कनेक्शन इज मेड का मतलब कि पहले एक सी था एक आर था, जब मैंने आर को सी के साथ कनेक्ट किया तो ये इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि इस सर्किट में सी भी है और आर भी है। आपको पता कैसे लगेगा कि ये चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है? उसने कहा चार्ज रिमेनिंग, चार्ज रिमेनिंग का मतलब ही क्लियर है कि कितना चार्ज बच गया, तो ये क्या स्टार्ट हो रहा है इसमें? डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा। आपको क्यू बताना है कितना चार्ज बचा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू। मैक्सिमम चार्ज कितना है? मैक्सिमम चार्ज आपको गिवन है, कितना चार्ज किया था आपने? 400 माइक्रो कूलम, पुट कर लेना यहां पर 400 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट है आपको इस क्वेश्चन में स्मॉल टी गिवन है, क्योंकि आपको एक सेकंड के बाद क्यू निकालना है, आपको स्मॉल टी गिवन है, आपको सी गिवन है, आपको आर गिवन है, स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी की वैल्यू को यहां पुट कर देना, ये जो भी है टी बाय आर सी यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको इस फॉर्मूले में क्यू निकालना है, क्यू नॉट गिवन है, स्मॉल टी गिवन है, आर गिवन है, सी गिवन है, निकाल लेना आंसर। डाउट है किसी को? बड़े ध्यान से देख रहे हैं लोग। इंटरनल मीन वो आ रही है सी के साथ आर होना चाहिए बस, एक्सटर्नल नहीं ना, अगर एक्सटर्नल तो ये सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ले लेते, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सी और आर ही होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता सर्किट, इसमें नहीं आएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, नहीं आएगा कि इसमें आर वन आर टू आर थ्री और ऐसा कुछ नहीं आएगा, सी के साथ आर होना जरूरी है बस। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है यहां तक रवदीप? समझ आ रहा है नवदीप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार खुद करके, क्या हुआ? डाउट है आपसे पूछ लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो असाइनमेंट में से।
ओके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन इज कि अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी. याद रखना जब वो बोलेगा 12 वोल्ट बैटरी, इसका मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज है. बैटरी की वोल्टेज तो मैक्सिमम होगी वी नॉट. नेक्स्ट है थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ आर गिवन है. इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रेजेस टू 4 वोल्ट. बढ़ गया, बढ़ने का मतलब कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है. जीरो से चार्ज चार हो गया, चार वोल्ट हो गया. ठीक, तो ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, वी की. डिफरेंस समझ आ रहा है, बैटरी कनेक्ट की कैपेसिटर के साथ, बैटरी का वी कितना है, 12 वोल्ट. क्या डाउट है? हाँ ऐसा है. सुनो, जब हम बोलते हैं ना कि V इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी. ठीक है, ये बैटरी की ही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये किसका होता है, कैपेसिटर का. क्यों? देखो कैपेसिटर का मैक्सिमम वी कितना हो सकता है, वी नॉट. पर अभी कितना हुआ है, चार. 12 वी नॉट तो कभी होगा नहीं ना, तो कोई बात नहीं. क्वेश्चन भी ऐसा आएगा ही नहीं, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, ग्यारह आएगा, बारह आएगा ही नहीं. क्योंकि अगर उसने 12 कर दिया तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो चार वोल्ट कह रहे तो चार वोल्ट ले लेते हैं. किसी भी इंस्टेंट पर तो चार वोल्ट हो गया ना, तो टेक वी टू बी चार वोल्ट. इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर है. आई नॉट का मतलब है कि चार सेकंड पे आई कितना है, पांच सेकंड पे आई कितना है, और आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है. जो होनी चाहिए थी वो आती नहीं, वो अलग बात है. आई नॉट बैटरी का करंट है, आई है वो इंडक्टर का करंट है. ठीक है ना, ओके. देखो क्वेश्चन है, प्लीज साइलेंस. आगे देखो, मेरे को एक चीज मालूम है कि मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, V इज इक्वल टू V नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी. मेरे को क्वेश्चन में गिवन है V की वैल्यू कितनी गिवन है, 4. V नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 12. सीधा पुट कर रहा हूं मैं, 4 12. क्वेश्चन में मेरे को R की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में मेरे को C गिवन है, नहीं C ही मुझे निकालना है, और मुझे स्मॉल टी की वैल्यू भी गिवन है. कि स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है, मुझे आर भी गिवन है, और यहां से सॉल्व करके मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, सी निकालना है. क्वेश्चन समझ आया? बाकी मैथ्स है, ये स्टेप समझ आ रहा है जो मैं नीचे दिखा रहा हूं. सृष्टि ये चीज क्लियर है? तो इसमें जब मैंने यहां पर 4 12 वैल्यू पुट की, सॉल्व करके ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी की वैल्यू 2/3 आ गई. एक्सपोनेंशियल राइट पे जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा, लॉग बन जाएगा. मैथ्स में जब लॉग टेबल देखे जाएंगे, लॉग ऑफ 3.2 0.40 आएगा. यहां से आपको सी निकालना है, आर आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी. आंसर तो चलो छोड़ो, वो तो इस अभी तो मुश्किल है. मेथड क्लियर है कि क्या गिवन है और उसमें क्या पुट करना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, माइक्रो को कन्वर्ट बिल्कुल करना पड़ेगा. मैंने किया नहीं, मैंने तो शॉर्टकट लगा दिया. आप तो करेंगे कन्वर्ट, 10^-6 करके करेंगे. ठीक, नेक्स्ट है अ कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट. इज 50 वोल्ट चार्ज का मतलब कि क्या वैल्यू गिवन है, वी नॉट. मैक्सिमम चार्ज 50 वोल्ट है. इज डिस्चार्ज्ड, यानी कि अब डिस्चार्जिंग की क्वेश्चन लगेगी. एट टी इज इक्वल टू 0 इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट. यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है, वी गिवन है. पहले क्या गिवन था, वी नॉट गिवन था. पोटेंशियल डिफरेंस 50 से कितना हो गया, 1 हो गया. कितने टाइम में हुआ, 10 मिलीसेकंड में हुआ. व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट टी इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड. मुझे फिर से क्या निकालना है, अब वी ही निकालना है, लेकिन टाइम टी इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड. तो एक काम करते हैं, पहले केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ये स्टेप सबको क्लियर है, डिस्चार्जिंग है, तो V इज V नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी.
नहीं फिर वी नॉट क्या हुई बोलो क्या हुई कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है कैपेसिटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले सकता है वो वी नॉट है ठीक आप कैपेसिटर हो मैं बैटरी हूं मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है बैटरी का आपका ज्यादा से ज्यादा ठीक है इन्फिनिटी पे चाहे लगाओ कितना हो सकता है 12 तो आपका वी नॉट और मेरा वी नॉट तो बराबर हो गया ना पर आपका हुआ कितने है 4 वो वी है अब क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको चार्ज कर दिया 50 वोल्ट आपकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो आपके लिए 50 वोल्ट इज ही वी नॉट आपको मैक्सिमम चार्ज किया था मैंने जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं कैपेसिटी चार्ज टू 50 वोल्ट इसका मतलब आप मैक्सिमम चार्ज पे हो फिफ्टी वोल्ट होगी जरूरी थोड़ा कि मैं बोलू बैटरी से ही चार्ज किया होगा ना चाहे मैं आप बैटरी की वोल्ट बोलूं या आपको यह बोल दूं कि मैंने आपको चार्ज किया 50 वोल्ट अब ये थोड़ा बार बार बोलूंगा कि मैंने आपको चार्ज किया 50 वोल्ट क्योंकि मेरी ईएमएफ 50 वोल्ट थी अभी तो एक्सपीरियंस है ना आपका आप न्यूमेरिकल ये तो सीख रहे हैं पर क्वेश्चन देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो इधर देखो कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट इसका मतलब बड़े वाला तो वी नॉट ही होगा ना ये जरूरी नहीं कि आपको ईएमएफ ही दे उसने अगर ये बोल दिया कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट वो आपका मैक्सिमम वी है ओके ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ठीक है डिस्चार्जिंग लग रही है तो वी वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी वी की वैल्यू कितनी की बने 1 प्लीज बात मत करो वी की वैल्यू कितनी हो गई 1 जब वी नॉट की वैल्यू कितनी है 50 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10 पुट कर दिया यहां से आपके पास ये e टू दी पावर माइनस 10 अपॉन आर सी की वैल्यू 1/50 आ गई इसको संभाल के रख लो याद क्लियर है क्योंकि क्वेश्चन में ना तो आपको r गिवन है क्वेश्चन में ना तो आपको c गिवन है तो इसलिए आपको नेक्स्ट केस भी सॉल्व करना है ये क्वेश्चन क्लियर है सबको फिर से एक बार इक्वेशन बनाओ क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिली सेकेंड पे निकालना है यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वी अब आपको वी निकालना है V किसके इक्वल होता है वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी वी नॉट की वैल्यू तो 50 की गिवन है और टाइम की वैल्यू इस केस में कितनी गिवन है 20 ठीक है ना यहां तक 20 मैं काम करता हूं मैं इसको स्क्वेयरिंग कर देता हूं अगर मैं इसे स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय आर सी इज इक्वल टू 1/50 का होल स्क्वायर मैथ्स है एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि ये वैल्यू 2 × 10 क्या हो जाएगी 20 तो मैं इस पूरी टर्म की जगह क्या पुट करने वाला हूं 1/50 का स्क्वायर आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन में लॉग नहीं लगेगा एक्सपोनेंट नहीं लगेगा फर्स्ट केस से सेकेंड केस में अपने आप वैल्यू आप खुद पुट करेंगे ई की पावर 1/RC ठीक है यहां तक आइडिया पता लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं मुझे मेडिकल का आप प्लीज चेक कर लेना अपना सिलेबस मुझे थोड़ा सा डाउट है मेडिकल के अंदर ऐसा क्वेश्चन शायद ना आए बहुत ट्रांजिएंट करंट्स ही मुझे तो लगता है कि आपके सिलेबस में ही नहीं है मेडिकल में तो आप चेक कर लेना इस साल का सिलेबस मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है कि पिछले किसी भी सिलेबस में ट्रांजिएंट करंट्स नहीं है आप कैसे होंगे इतना मैथमेटिकल है ये लॉग में जा रहा है ठीक है तो आप सिर्फ एंजॉय करो फिजिक्स को बस आप मजा करो कि हाँ ये भी कुछ होता है तो अगर आता होगा तो ठीक है नहीं आता होगा तो भी ठीक है कुछ निकाल तो नहीं लिया दिमाग से दिया ही है ना कुछ नॉलेज बढ़ी है और प्लीज नॉन मेडिकल वाले तो सीरियसली लें क्योंकि उनके एंट्रेंस में तो पक्का आएगा ये 101% आएगा ठीक नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ो
चलो देखें, देखो क्वेश्चन है, अ 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज ऑफ सी गिवन है, क्यू गिवन है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब ये इक्वेशन लगेगी, थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन है, फाइंड, क्या फाइंड, हीट डिसिपेटेड इन वायर बिटवीन 25 टू 50 माइक्रो सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन इज मेड. अब प्रॉब्लम ये है कि वायर में चार्ज चेंज होगा, कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर अपना चार्ज वायर में रिलीज कर देगा, वायर में करंट चेंज होगा, वायर में जब करंट चेंज होगा तो हीट चेंज होगी आई स्क्वायर आर टी या आई स्क्वायर आर पावर, तो आई स्क्वायर आर टी से हीट कांस्टेंट नहीं है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आई कांस्टेंट नहीं, आई क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है, क्यू को डिफ्रेंशिएट किया तो आप आई इज डी क्यू बाई डी टी, क्यू की ये पूरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये करंट आ जाएगा. ये स्टेप क्लियर है सबको, डिफ्रेंशिएशन सबको आती है ना एक्सपोनेंट की. मान लो आपने डिफ्रेंशिएशन कर दी, करंट आ गया, करंट आ गया. अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, क्यों इंटीग्रेशन से होगा, ज्योति डाउट है, आर तो अभी आएगा, दो मिनट रुक जाओ, ये चीज क्लियर है, पहले बताओ आई चेंज हो रहा है, क्यू चेंज हो रहा है तो आई जनरेट होगा, आई निकाल लोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आई आ गया, ठीक हो गया यहां तक. ये आर कैसे आया ये पूछ रहे हो, इसमें वो बाद में आता हूं, ये स्टेप क्लियर है. नेक्स्ट, हीट डिसिपेटेड निकालनी है, क्योंकि आई चेंज हो रहा है तो हीट चेंज हो रही है, और जब हीट चेंज हो रही है और टोटल हीट का सम निकालना है तो इंटीग्रेशन, तो आई स्क्वायर आर टी कर दो, आई स्क्वायर आर टी किया 25 से लेके 50 तक, टाइम की लिमिट 25 फुट कर लेना, यहां पर टाइम की लिमिट 50 फुट कर लेना. अब मैं काम करता हूं, इस आई की बड़ी सी वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं और इसका क्या करता हूं, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर. हाँ ज्योति बिल्कुल ठीक है, ये देखो होल स्क्वायर करोगे ये क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर, और ये ऊपर आर है, आर से आर स्क्वायर कैंसिल तो नीचे आर आ गया. चलो छोड़ो, मैथ्स का स्टेप है, मैथ्स वाले लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ये वैल्यू आ गई, टाइम की लिमिट्स पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. इंटीग्रेशन जा रहा है, फिजिक्स का मैं, समझ आ रहा है सबको, मेडिकल है, ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें, नेक्स्ट देखें, पेन ड्राइव में ले जाना, मुझसे नोट क्या कर रहे हो, इसे यही उठा के ले जाना, कोई बात नहीं, इसको प्रिंट निकाल के सजा लेना उसमें फाइल में, ठीक, ये चीज क्लियर है, इतना वो नहीं ना अपने पास, मतलब इतना टाइम नहीं, और क्वेश्चन करेंगे इसकी बजाय हम नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट है, अ सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस क्या गिवन है, एल, रेजिस्टेंस क्या गिवन है, आर, कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी के साथ यानी कि वी, फाइंड टाइम इलैप्स्ड यानी कि मुझे क्या निकालना है, स्मॉल टी, बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू. देखो जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो स्टेडी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या ली जाती है, आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू को स्टेडी वैल्यू बोलते हैं. तो मेरे को टाइम निकालना है जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय टू. तो एक काम करते हैं, यहां पर एल पता है, आर पता है, टाइम कॉन्स्टेंट आ गया, करंट इंक्रीज हो रहा है, इक्वेशन लगा ली, आई की जगह क्या पुट कर लेना, आई नॉट बाय टू, स्मॉल टी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, इतने टाइम में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय टू. ठीक है यहां तक, समझ आ रहा है, डाउट है सृष्टि, पूछो पूछो, ये इक्वेशन क्लियर है, आई की वैल्यू क्या करनी है, आई नॉट बाय टू, आई की जगह आई सीधा लिखो आई नॉट बाई टू, आई नॉट से आई नॉट कैंसल. अब ये मैथ्स है, इसको सॉल्व कर लेना, टाउ है ये, बटाउ, ठीक, तो यहां से नहीं, ये वन बाय टू है, सॉरी ये वन बाय टू है, वन डिवाइडेड बाय टू, तो यहां पर इसको लॉग से सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा. चलो आंसर जो भी आएगा वो ठीक है, मेथड तो क्लियर है ना. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है
एक एलसीआर है, देखो कहने को एलसीआर है, अब आप सोचेंगे कि एलबी है, सीबी और आरबी है, नहीं, इकट्ठा कोई क्वेश्चन नहीं आता, या तो क्वेश्चन एलआर का होगा इसमें या फिर क्वेश्चन सीआर का होगा इसमें। तो देखो क्या गिवन है, एल गिवन है और आर गिवन है और ई भी गिवन है। ई देने का मतलब क्या गिवन है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ई की वैल्यू गिवन है। फाइंड पावर डिसिपेटेड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, पावर की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पावर डिसिपेटेड इन 4 सेकेंड्स। डिफरेंस समझ रहे हो, 4 सेकेंड के ऊपर पावर निकालो, इंस्टेंटेनियस पावर, तो यानी कि चौथे सेकेंड पे पावर निकालनी है तो चौथे सेकेंड पर करंट निकालना है, लेकिन 4 सेकेंड्स में पावर निकालो तो करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो आपको क्वेश्चन किसके थ्रू करना पड़ेगा, थ्रू इंटीग्रेशन। टोटल 4 सेकेंड्स का पावर, इंटीग्रेशन, चौथे सेकेंड पर पावर, आई निकालो चौथे सेकेंड पर पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं टाइम कांस्टेंट हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काम करते हैं करंट निकालते हैं 4 सेकेंड पे कितना होता है, करंट की वैल्यू कैसी आएगी। जो करंट है उसका फॉर्मूला होता है आई इज आई नॉट 1 - e^(-t/τ। अब आई नॉट को क्या लिखेंगे, बैटरी की ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, जो मैक्सिमम करंट निकलता है ना, मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब कैपेसिटर का रोल एकदम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किया था ना भी डिस्कस, जब कैपेसिटर का रोल खत्म हो जाएगा करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो वहां पर हमने फॉर्मूला थ्योरी में किया था ई इज आई नॉट आर, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय आर, तो इसलिए आई नॉट की जगह टोटल ईएमएफ ऑन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है यहां तक, तो ये स्टेप क्लियर है, ये मैंने कैसे लिखा, आई नॉट की जगह ई बाय आर, जब आप ई पुट कर लेंगे, आर पुट कर लेंगे, स्मॉल टी पुट कर लेंगे, टाउ पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3.8। तो यानी कि क्या निकाल लिया आपने, आपने 4 सेकेंड के ऊपर आपने एग्जैक्टली एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड आपने करंट निकाल लिया 3.8, चौथे सेकेंड पर करंट आया। ठीक है यहां तक, तो चौथे सेकेंड की पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर आंसर। ठीक है यहां तक, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है सिंपल, क्या क्लिक करने की बात है, लेकिन ये जब आपने टाइम कांस्टेंट निकाला तो आपका टाइम कांस्टेंट क्या आया था, 4 सेकेंड्स। ठीक है, फिर उसने कहा कि मेरे को हीट निकालो एट टाइम 4 सेकेंड। अब चांस की बात है, स्मॉल टी की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, टाउ के इक्वल, और इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमने शॉर्टकट किया था कि टाइम कांस्टेंट पर करंट कितना हो जाएगा, 63.2% ऑफ आई नॉट, सीधा शॉर्टकट लगा के 3.8 आ सकता है, मतलब बजाय कि आप ये फॉर्मूला यूज करो आप सीधा ये लगा दो, क्योंकि स्मॉल टी और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, सेम, तो वो हमने थ्योरी का शॉर्टकट किया था, पर अगर आपको याद नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लो, ये ज्यादा बेटर है, ये तो तब है ना, चांस की बात है, याद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ये तो है आंसर आ। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है, एन इंडक्टर रेजिस्टेंस बैटरी सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, बैटरी की ईएमएफ ई है, फाइंड चार्ज थ्रू दी बैटरी इन 1 टाइम कांस्टेंट। अब 1 टाइम कांस्टेंट तो सॉल्व क्या करना, आंसर क्या है, 1 टाइम कांस्टेंट में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 टाइम कांस्टेंट में इसमें चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है करंट, या करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम कांस्टेंट पे जब करंट इंक्रीज होता है तो टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना हो जाता है, 63.2% ऑफ आई नॉट, शॉर्टकट लगा दूं, नहीं क्यों, इसने कहा शॉर्टकट मत लगाओ, जबकि उसने टाइम क्या कहा क्वेश्चन में, एट टाइम कांस्टेंट, की फर्क है इन टाइम, फिर इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम, टोटल टाइम समझते हो क्या मतलब, चार्ज इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग, यानी कि यू हैव टू फाइंड टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू टाउ तक
टोटल करंट या टोटल चार्ज, फर्क है। हमने जो वो कॉन्सेप्ट किया था ना 63.2% ऑफ आई नॉट, वो उस टाइम के इंस्टेंट के ऊपर करंट था। वही सेम क्वेश्चन, उस इंस्टेंट पे निकाल लें या शुरू से लेके उस टाइम कांस्टेंट तक निकाल लें। इसने क्या कहा, मुझे चार्ज निकालो इन वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि शुरू से लेके जीरो से लेके टाइम कांस्टेंट तक करंट चेंज हो रहा है, तो चार्ज चेंज हो रहा है। टोटल जितना भी चार्ज आया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू टाइम कांस्टेंट तक, सबका एडिशन करके दिखाओ, तो क्वेश्चन कैसे होगा, थ्रू इंटीग्रेशन। हाँ, अगर वो ये पूछता कि करंट निकालो या चार्ज निकालो किसमें, एट टाइम कांस्टेंट टी टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर, मतलब इस इंस्टेंट पर, फिर वो शॉर्टकट लगता। पर इसमें मुझे शुरू से निकालना है, तो कोई बात नहीं, करंट कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। I नॉट की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, E by R पुट कर सकता हूं, अभी मैंने बताया। Q क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये क्लियर है ना, कैसे I को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटू dt Q, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि I क्या होता है dQ by dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dQ is equal to I into dt, तो Q is equal to integration of I dt, तो ठीक लिखा इसका मतलब। और कब से कब तक चार्ज निकालना है, जीरो से लेकर टाइम कांस्टेंट तक, करंट की जगह पुट कर लो जो भी वैल्यू है एज इट इज पुट कर लो। अब ये इंटीग्रेशन है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे डिवीजन हुई हुई है, ये कुछ नहीं है, ये लाइन कुछ नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है। चलो छोड़ो, हम इंटीग्रेशन क्यों सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन में तो आप सब मास्टर्स हैं, कैलकुलस इतनी कर लो, कितना इंटीग्रेशन काफी डेप्थ में है कैलकुलस में, सही बोल रहा हूं, मैथ्स में इंटीग्रेशन ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी कर लेंगे डिवाइड, टाइम कांस्टेंट पुट कर लेंगे, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। काफी डाउट है इस इक्वेशन तक, तो कोई डाउट नहीं, बस ये बता दो मुझे, यहां तक क्लियर है ना, बस अगर इसके बाद डाउट है तो फिर मैथ्स वाले टीचर जो है वही वहीं पर मैथ्स में प्रॉब्लम है आपकी, फिर मेरे को नहीं कहना कि फिजिक्स समझ नहीं आती, इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, पानी ज्यादा गिर गया था ना देखो क्वेश्चन है कि एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईएमएफ ई, फाइंड मैक्सिमम, क्या निकालना है, मैक्सिमम रेट, एक होता है रेट निकालना, एक होता है रेट का मैक्सिमम निकालना। अब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ओके ठीक है ना, मैक्सिमम ऐसे निकालते हैं ना, अभी सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे को मैक्सिमम रेट निकालना है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये बताओ इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी है वो होती कितनी है, हाफ एल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हाफ एल आई स्क्वायर मैंने कर दिया। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है, इसमें मैंने हाफ एल आई स्क्वायर कर दिया, आई की जगह मैंने वैल्यू पुट की कितनी, आई नॉट, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ स्क्वायर हो गया, तो ये यू आ गया। अब मेरे को रेट निकालने, रेट के लिए मैंने इस पूरी टर्म को जो यू आया इसको मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब रेट होता है, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैंने क्या निकाल दिया, डीयू बाय डीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, अब ये डिफरेंशिएट करने का काम आपका है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, मान लिया मैंने आपको डिफरेंशिएशन आती है और ये वैल्यू आ गई, क्लियर है यहां तक। तो ये मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, पर ये रेट मैक्सिमम तो नहीं है, इसको मैक्सिमम करने के लिए डबल डेरिवेटिव, एक बार इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है ना, यहां तक ठीक, रेट आ गया। देखिए रेट मैक्सिमम कब होगा, रेट मैक्सिमम तब होगा, हाँ इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसको पावर बोल सकते हो पी, क्योंकि पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, पी,
देखें ये पावर मैक्सिमम कब होगी, तो एक काम करो ये जो भी टर्म आई, ये सारी की सारी जो भी टर्म आई, इसको पी बोलेंगे पी, इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो कर दिया। तो जब आपने पी को, इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो पुट किया, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, हाफ आंसर, मतलब फाइनली ये आंसर आया। तो आपको ये पता लग गया कि e टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ अगर हाफ होता है, इसका मतलब पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कंडीशन आ गई और मुझे वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम पावर की, तो एक काम करो इस e टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ को यहां पुट कर लो, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ, और यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, वन बाय फोर, क्योंकि यहां पर फैक्टर क्या आ रहा है, टू। ठीक है ना, मैथ्स है, एक्सपोनेंट्स, पहली वैल्यू हाफ है तो दूसरी वैल्यू उसका स्क्वायर है, यानी कि 1 बाय फोर, माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, तो यहां वैल्यू पुट कर लेना, ये मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी हाफ एंड फोर, ये आंसर आ गया। और आई नॉट की जगह पुट कर लेना ई बाय आर, यहां तक क्लियर है? और जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अ क्वाइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी, एक क्वाइल है जिसकी इंडक्टेंस 1 हेनरी है, एल, आर गिवन है, ई गिवन है, और इसकी चार्जिंग हो रही है। बस क्वेश्चन में ये देखो निकालना क्या, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्वाइल टू अ रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय दी बैटरी। रेट ऑफ क्या, जिससे कि मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और रेट जिससे कि एनर्जी सप्लाई की जा रही है। अब क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन आपका एलआर के ऊपर बेस्ड है। तो एक चीज देखो, करंट इंक्रीज हो रहा है, और आपको यह क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेकेंड। तो आप एक काम करो, आप इसमें सिर्फ एक चीज देखो, करंट इंक्रीज हो रहा है, यह फॉर्मूला, टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डीआई बाई डीटी के लिए आप इस टर्म को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो ये आपके पास क्या आ गया, डीआई बाई डीटी, वेयर आई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला ई डिवाइडेड बाय आर, ये भी आ गया। ठीक, मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को निकालने है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, यू की वैल्यू कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीयू बाई डीटी, डिफरेंशिएट करेंगे एल आई एल कॉन्स्टेंट, और आई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ रही है, आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहां तक आप एक काम करें, इस डी आई बाई डी टी को यहां पुट कर दें और इस आई की वैल्यू को यहां पुट कर दें। समझ आ रहा है क्या स्टेप लिया, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी में मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें आई भी आ रहा है, इसमें डी आई बाई डी टी भी आ रहा है, आई भी है, डीआई बाई डी टी भी है, यहां पुट करके ये टर्म आ गई इतनी बड़ी। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, एल गिवन है, आई की वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन में आपको एल गिवन है, आई नॉट गिवन है, टाइम पता है कि कितने टाइम पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है, कितने सेकेंड पर, एंड पॉइंट वन पे जो भी है, टाउ पता है, टी पता है, टाउ पता है, सॉल्व कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मान लो ये आंसर आ गया, कैलकुलेशन नहीं देखनी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डिफरेंशिएट करके टाइम की स्मॉल टी की वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपका कुछ करंट किसमें जा रहा है, बैटरी का कुछ करंट किसमें मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है। कुछ करंट देखो, कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इंडक्टर में हो रही है और कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी रेजिस्टर में हो रही है। रेजिस्टर में कितनी वैल्यू हो रही है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल टी यहां भी पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब बैटरी अपना रेट ऑफ चेंज किसमें प्रोड्यूस करवा रही है, इंडक्टर में भी और रेजिस्टर में भी। आपने डीयू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इंडक्टर में पहले निकाल लिया, रजिस्टर में भी निकाल लिया। समझ आ रहा है कैसे, रजिस्टर में निकाल लिया, यह आंसर आ गया, इंडक्टर में इतना, रजिस्टर में इतना। तो बैटरी का रेट ऑफ चेंज कितने है, बैटरी का रेट ऑफ चेंज
ऐड कर दो, जो कि इंडक्टर में भी है और जो कि रेजिस्टर में भी है। एंड में आपको रेशियो पूछी थी किसकी, इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज और टोटल रेट ऑफ चेंज की क्या रेशियो है। आंसर, इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज और टोटल रेट ऑफ चेंज में क्या रेशियो है, वो आंसर निकाल लेना। कॉन्सेप्ट वही है कि इंडक्टर में अलग निकालना है, रेजिस्टर में अलग निकालना है, बैटरी के केस में इंडक्टर का रेट ऑफ चेंज और रेजिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज को ऐड कर देना है, ठीक। इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पक्की बात, क्योंकि ये सब आईआईटी में हुए न्यूमेरिकल है, ये सब आप चेक कर लेना पुराने। अगर ये ऐसे है तो ये ट्रिपली का कैसा होगा, ठीक है। संडे को टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम पुराने क्वेश्चंस करेंगे इसके,